नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने 2024-25 की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अनुदान मांगों पर बोलने पर समय प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। महोदय, मैं 18वीं लोकसभा के प्रथम बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके लिए मैं अपने फर्रुखाबाद लोकसभा की देवतुल मतदाता बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से आज मैं यहां खड़ा हूं। महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2023-24 के लिए 80,517,000 करोड़ की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 2024-25 के लिए लगभग 12.96% की बढ़ोतरी की गई। इसमें 90,958 करोड़ की व्यवस्था की गई। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। और जबकि वर्ष 2013-14 में जो बजट रखा गया था वो 37,330 करोड़ रुपए का था, वर्तमान में लगभग ये 300% बढ़ा हुआ है। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा जो देश के अंदर जन औषधि केंद्र चलाए गए हैं, खोले गए हैं, उनके माध्यम से देश के अंदर गरीब लोगों को सस्ती दवाएं और सर्जिकल उपकरण जो उपलब्ध हो रहे हैं, उसके माध्यम से आज गरीब आदमी सस्ती दवाएं लेकर अपना इलाज करा रहा है। और पहली महंगी दवाओं के माध्यम से, महंगी दवाएं होने के कारण लोग अपना इलाज नहीं करा पाते थे और असमय काल के गाल में समा जाते थे। आज ये दवाएं जो हैं 30% से लेकर 90% तक महोदय सस्ती हैं, तो इसलिए आम गरीब आदमी आज हमने देखा जन औषधि केंद्र से दवा ले रहा है और अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। दूसरा, महोदय, आयुष्मान भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो आयुष्मान भारत जो योजना, बीमा योजना के माध्यम से लोगों को, गरीबों को लाभ दिया है, इसके माध्यम से आज देश के अंदर लगभग 40 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और लाभ ही नहीं ले रहे महोदय, मैंने देखा है कि गरीब आदमी कि कभी कभी कोई बीमार पड़ जाता था या कभी एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाती थी तो पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में वो उसके बीच से उसके परिवार का सदस्य निकल जाता था और उसे जीवन भर अफसोस रहता था कि मैंने अपने अपने सदस्य का, अपने परिवार के बच्चे का, अपने पत्नी का, अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा पाया, वो जीवन भर उसे अफसोस रहता था। लेकिन आयुष्मान योजना के माध्यम से गोल्डन कार्ड आज कहीं पर भी वो व्यक्ति लेके जाएगा, अपना गोल्डन कार्ड दिखाएगा, अंगूठा दिखाएगा, अपने जनपद में भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकेगा या हिंदुस्तान के किसी भी अस्पताल में आके वो इलाज करा सकेगा और अपने परिवार के सदस्य को बचा सकेगा, उसे कभी भी कोई अफसोस नहीं होगा। दूसरा, महोदय, आज गाँव में भी जो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, अच्छे रूप से स्वास्थ्य सेवाएं गाँव में भी चल रही हैं। और यहाँ तक कि पहले मैंने 2014 से पहले देखा, महसूस किया, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैंने देखा गाँव में जो शहर के जो अस्पताल थे वहाँ सिर्फ लोग, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था, एक्सीडेंट हो जाता था, वो थाने में सरकारी फायदा लेने के लिए तो स्वास्थ्य केंद्र में जाता था डॉक्टरी कराने के लिए, लेकिन बाकी बाद में इलाज वो अपना प्राइवेट में ही जाके कराता था। तो आज के समय में
मैंने देखा है कि अस्पताल में आदमी जाता है वो अच्छी अच्छी दवाएं करा के और अपने परिवार के साथ में, आज आप देख रहे होंगे सरकारी अस्पताल जो भी हैं हर तरह की हर जनपद में सुविधाएं मिली हैं। महोदय मैं आपके अपने सुझाव रख लें, आप मांग हो ठीक है। महोदय आपने घंटी बजा दी है तो इसलिए मैं अपने महोदय इसलिए मैं सुझाव भी देता हूं। मैं देख रहा हूं पूरे देश के अंदर जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं और मैं चाहता हूं कि फर्रुखाबाद जनपद में, हमारे जनपद में सर मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा पूरे देश में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था की गई है, लेकिन मेरे फर्रुखाबाद जनपद में भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है या तो वहाँ मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए या ट्रामा सेंटर खोल दिया जाए। जो हमारे यहाँ कोई आदमी बीमार पड़ता है, पिछड़ा एरिया है महोदय, मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लिए या ट्रामा सेंटर या मेडिकल कॉलेज खोला जाए। दूसरा महोदय मेरा एक और अनुरोध है जिसमें हमने देखा आयुष्मान कार्ड जो पहले 6 यूनिट के लोगों को बनवाए गए थे, कृपया समाप्त करें। 6 यूनिट के लोगों को बनवाए गए थे। आपकी बात आ गई मुकेश राज। नहीं नहीं सर, सर मेरा एक महत्वपूर्ण ये बात है। तो सर मेरा कहना है सर कि जो 6 यूनिट के ऊपर जो बनवाया गया था, अब मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, इस 6 यूनिट की जगह पर जो लोग 4 यूनिट के, जिनके परिवार में 4 यूनिट भी हैं, उन्हें भी महोदय बनवाने का प्रयास की बनाया जाए। एक बार 6 यूनिट को चाहे रोका जाए लेकिन 4 यूनिट वालों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हम लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हम लोग अक्सर कहते हैं हम दो हमारे दो, तो कम से कम इसमें परिवार जो नियोजन की जब बात हम लोग करते हैं उसमें ऐसे लोगों को भी लाभ मिलेगा महोदय। दूसरा माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आयुष्मान भारत योजना के थैंक यू चेयर पर्सन, आपकी बात आ गई मुकेश जी, आपकी बात आ गई। थैंक यू चेयर पर्सन, एक लाइन बोल दीजिए, अपनी बात समाप्त करिए जी। धन्यवाद कर दीजिए। महोदय मेरा एक और अनुरोध है कि जैसे अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर्स जाते नहीं सर, तो डॉक्टरों के लिए कुछ ऐसी उनका या तो सैलरी या ऐसा कुछ किया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी डॉक्टर जाए। बहुत बहुत लोग डॉक्टर्स जाते नहीं, उन्हें